भारत तक अब नए अंदाज में। वंदे भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारतीय नौसेना में ऐसे बहुत से जहाज हैं जिन्होंने सालों तक देश का मान बढ़ाया है। इनमें एक है INS खुकरी, जिसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त यानी डीकमीशन किया गया। आपको बता दें, INS खुकरी ने 32 साल तक भारतीय नेवी का मान बढ़ाया है। INS खुकरी स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट में से एक पहला जहाज था जिसने 32 साल तक भारतीय नौसेना में सेवा दी थी। आपको बता दें, कॉर्वेट एक छोटे आकार का युद्धपोत होता है। ये युद्धपोतों की सबसे छोटी श्रेणी मानी जाती है। जहाज का सेवा मुक्त समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखा गया था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता मौजूद थे। इसके अलावा कई अन्य वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों की मौजूदगी समारोह में दर्ज की गई। 32 साल की इस शानदार पारी में INS खुकरी ने अपने नाम कई उपलब्धियां दर्ज की। अपनी सेवा के दौरान जहाज की कमान 28 कमांडिंग ऑफिसर्स ने संभाली थी और 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी इसने तय की। इसके अलावा ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 30 गुना है और पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने के बराबर। सेवा मुक्त कार्यक्रम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज नौसेना का पताका और सेवा मुक्त करने वाला पताका नजर आया, जिसमें सेवा मुक्त करने वाले पताके को नीचे किया गया। INS खुकरी स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट में से पहला जहाज था। कॉर्वेट 23 अगस्त 1989 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था, जिसे पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े का हिस्सा होने का सम्मान भी मिल चुका है। जानकारी के मुताबिक जहाज को मुंबई में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्णचंद पंत की उपस्थिति में कमीशन किया गया था। अहम बात यह भी है कि INS खुकरी का संबंध भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से भी था। यही कारण रहा कि लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायण ने इस समारोह में उपस्थिति दर्ज की। 32 साल तक 28 कमांडिंग ऑफिसर्स द्वारा संभाले गए और पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने बराबर यात्रा करने वाले इस जहाज ने देश सेवा में अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है, जिसके बाद इसे सेवा मुक्त समारोह के बाद सेवा मुक्त किया गया। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत तक।